दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी, और मेरे सारे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, और इस साल में दिवाली हमारे वापस इंडिया में ही। A very happy Diwali to all of you all. May happiness comes your way and a lot of success to everyone. देखिए दिवाली एक ऐसा, दिवाली हमारे सदियों से बहुत पुराना फेस्टिवल है, इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है इसे, और ऑफ़ कोर्स है भी, आज भी इसे मानता हूँ मैं कि ये एक ऐसा त्यौहार है जब जिसे हम कहते हैं हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं मिलने, वो जो हम ट्रेडिशनल कपड़े जो एवरी डे नहीं पहनते तो वो कपड़े बाहर निकलते हैं अंदर से, नए बने जाते हैं, तो वो जो संस्कृति वाली बात है जो वो इस हमारे इस रिलीजन इस फेस्टिवल में है, जहाँ पे ना हिंदू ना मुसलमान ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसमें सब एक है। तो दिवाली एक मुस्लिम के घर पे बनती है, दिवाली हिंदू के घर पे बनती है, दिवाली गुजराती के घर पे बनती है, तो मुझे लगता है ये इंडिया का बहुत बड़ा नेशनल फेस्टिवल है। और पटाखे जलते हैं, ऑफकोर्स पटाखों से बहुत ध्वनि होती है, बहुत प्रदूषण होता है, लेकिन मेरे ख्याल से त्यौहार है तो हर इंसान अपनी खुशी अलग तरीके से मनाता है, हर त्यौहार अपने तरीके से मनाता है। तो दिवाली एक बहुत लकी चार्म कहते हैं जिसे हम, जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि मानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं किसी न किसी रूप में। कोई अच्छा काम करने जाते तो हम ये सोचते कि हम दीपावली के दिन करते हैं, तो इस फेस्टिवल में एक अपनी ही संस्कृति छिपी है हमारे देश की, तो इसलिए मैं भी इस दिवाली को हमेशा हर साल की तरह बहुत अंदाज करता हूँ कि कब आएगी। शॉपिंग तो हो गई है, हो चुकी है ऑलरेडी। अब थोड़ा बहुत और कुछ बाकी है, जो एक्सेसरीज है, ये है वो है, जो बेसिक्स बाकी है छोटा बड़ा वो बाकी है, वो खरीद लेंगे बाद में। बाकी ड्रेस व्रेस वो सब खरीद लिया है, दिवाली घर की सफाई हो चुकी है, नाश्ते बन चुके हैं घर में, और बस हम एक्साइटेड, दिए जलते हैं हर घर में। आई लव दिस फेस्टिवल। लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मी जी आती है ताकि हम लक्ष्मी जी को थोड़ा खर्च करें, तो बहुत हम हर दिवाली की तरह हम अलग अलग दोस्तों के यहाँ जाने वाले हैं, तो कार्ड पार्टी होती है, थोड़ा जश्न मनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, मिलना जुलना रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इंडस्ट्री के लोगों से। तो मेरे ख्याल से ये एक त्यौहार है जहाँ पर काम की बात शायद नहीं होती है और सिर्फ मिलना जुलना होता है, तो वो होगा इस साल भी और हर साल की तरह, और हम ज़रूर जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी खर्च होती है तो नई लक्ष्मी कमाने के लिए, आप लक्ष्मी को अंदर रखते हैं, लेकिन आप जब लक्ष्मी को खर्च करते हो तब सही कामों में खर्च करते हो तब लक्ष्मी घर पे आती है, गलत कामों में खर्च करोगे तब कभी लक्ष्मी जी घर पे नहीं आएगी। मेरा कहना यही है कि लक्ष्मी जी कमाते इसीलिए कि खर्च करें। तो खर्च तो करना ही चाहिए। दिवाली से रिलेटेड मेमोरी मेरी ऐसी तो बचपन में रही है बहुत, जब मैं फटाके फोड़ता था, हाथ में फटाके फोड़ता था, कभी कभी फटाके चुरा लिया करता था, कभी कोई फटाका अच्छा लगता तो मैं किसी के बैग में से चुरा लेता, तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज रही है। लेकिन एक बार जानता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था कि फटाके को हम हाथ से भी फोड़ सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं, डर नहीं लगना चाहिए, तो उसके कहने पे किया और मेरा हाथ जल गया था उस टाइम से। तो उस टाइम से मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत मज़ा तो करवाती है, बहुत आनंद आता है इससे ये देख कर, लेकिन उतना ही ये खतरनाक भी हो सकता है। तो मैं अपने सारे दर्शकों से खास ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस दिवाली में आपके बच्चे या आप किसी भी पटाखे को फोड़ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी होती है जो कभी आग के पास या कभी आपके शरीर पे नाश हुए, तो अगर सावधानी बरकी जाए तो मेरे ख्याल से आप आनंद भी उठा सकते हो उस चीज़ का और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाए। तो बच्चों के पास ज़रूर रहिएगा अगर वो कोई फटाखे चला रहे तो। मैं तो फटाके पहले से, बड़े बड़े फटाकों से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है जब वो ऊपर जाके आकाश में बहुत अच्छी तरह से उड़ते, वो फूटते हैं वो अलग अलग तरीके से, 7 shots, 22 shots, 32, मुझे वो सब देखने बहुत पसंद है, पर मुझे खुद से फोड़ना बहुत डर लगता है। मैं हमेशा फुलझड़ियों से दिवाली खेलती हूँ। फुलझड़ी बहुत सुंदर होती है और हमारे हाथ में रहती है, तो काफी जब वो चिक 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 करते हैं वो एक फेस्टिव वाला फील आता है फुलझड़ी जलाने से। फ्लावर पॉट है, वो है जमीन जो चक्री होती है वो होती है, तो ये छोटे छोटे जो फटाखे हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। जब चक्री घूमती है तो ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा बना रही है, और फ्लावर फूटता है तो ऐसा लगता है कि
अंदर से खुशियाँ वो हीरे खुशियाँ खुशियाली खुशियाली हीरे मोती से निकलते बाहर छोटे छोटे तो वैसे लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो छोटे फटाके ये ज़रूर करने चाहिए, और बड़े फटाकों को मैं आपको थोड़ा सा मैं खुद अगेंस्ट हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जीव जंतु जो जीव होते हैं, जो मच्छर होते हैं वो नॉइजी काफ़ी बढ़ते हैं पॉल्यूशन। उसमें। जो हमारे जिनके पास जो डॉग लवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है सुनने में। हमें सिर्फ हमारे बारे में ना सोच के इस दिवाली अगर मैं आप सबसे दरख्वास्त करूं तो उस जीव जंतुओं के बारे में सोचो जिन्हें इस फटाके फोड़ने से तकलीफ़ होती है। हर दिवाली आप सबके लिए करते हो जो हम इंसान हैं, इस बार अगर करना है तो किसी जानवर के लिए आप सोच के करो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं स्पेशली करंजे बनाना चाहती हूँ, जिसके हम लोग घूगरे बोलते हैं, और ऑफ कोर्स करंजे बोलते हैं हिंदुइज्म में उनको, क्योंकि मुझे बनाना, वो जो डिज़ाइन जो होती है मुझे बहुत अच्छे से बनानी आती है, एंड मेरे हाथ से वो बनते भी बहुत अच्छे हैं। देखिए जो बनेगा मैं वैसे भी रोज़ जो बनता है वो खा लेता हूँ, और इस दिवाली ऑफ कोर्स मैं ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं मीठा नहीं खाता, मैं किसी चीज़ से मुझे पाबंदी है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। दिवाली है, त्यौहार है, मिठाइयों की बारिश होती है, और त्यौहार इतना मीठा है कि अब मीठा तो आप मीठा ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो अलग अलग तरह के मिठाई ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि हर दिवाली कहीं ना कहीं कोई मिठाई वाला नई मिठाई ले आता है, तो इस बार भी मैं नई नई मिठाइयाँ टेस्ट करना चाहता हूँ। केक्स पेस्ट्रीज तो हम पूरे साल खाते, लेकिन दिवाली के दिन तो मिठाई खाने में मज़ा ही अलग है। जलेबी है, रसमलाई है, संदेश है, सौंदेश है, सौंदेश है, वो खाना चाहता हूँ। तो अलग अलग हमारे जो स्टेट के जो मिठाई है वो ज़रूर खाना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो बनाते हैं हम लोग ऊपर नीचे नेबर्स के साथ शेयर करते हैं, नेबर्स के घर से भी हमारे घर में आता है, तो दिवाली के दिन हम यही सारी चीज़ें करते रहते हैं। लाइक उनके घर पे हम विश करने जाते हैं थोड़ा, वो हमारे घर पे विश करने आते हैं, फिर रात को फैमिली डिनर होता है जो होता है वो, और लक्ष्मी पूजन जो हम लोग करते हैं। स्पेसिफिक फ्रेंड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा मैं किसी एक को स्पेसिफिक करके ये नहीं कहना चाहता कि वो मेरा खास है। जहाँ से मुझे न्योता है वहाँ तो जाऊँगा ही जाऊँगा, और जहाँ से मुझे न्योता नहीं है उसे मैं अपने घर पे ज़रूर बुलाऊँगा। दोस्तों से मिलना ज़रूर होगा जो मेरे आसपास है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो मेरे इंडस्ट्री के दोस्त हैं वो अपने घर भी जाते हैं वापस, अपने होम टाउन जाते हैं, तो उनसे मिलना दिवाली में नहीं होता, दिवाली के बाद होता है। तो दिवाली के बाद हम पार्टी करते हैं साथ में थोड़ा सा, और पार्टी यानी कि नॉर्मल डिनर वगैरह वैसे करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं कुणाल है मेरा दोस्त है, इंडस्ट्री का दोस्त है, संदीप सिकंद है, तो उनके यहाँ पे दिवाली पार्टी है, एकता मैम है वहाँ पे है, तो वहाँ सब ज़रूर जाऊँगा। सबसे पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और अगर आपको ठीक लगे तो आप कीजिएगा, कोई दबाव नहीं है। पटाखे फोड़ना अच्छी बात है, पटाखों से आनंद लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पटाखों के साथ आप ज़रा आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जो इंसान नहीं है बल्कि इंसान की तरह ही रहते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो बिल्ली होते हैं, जो जानवर हैं, उन्हें इन पटाखों के शोर से बहुत तकलीफ़ होती है। अगर हम उस तकलीफ़ को थोड़ा सा नज़र करें और उस चीज़ का ध्यान रखें तो शायद ये दिवाली हम वो बोल नहीं पाते, लेकिन शायद उन्हें वो खुशी दे सकते हैं कि उन्हें वो शोर शराबे से डर ना लगे। तो छोटे छोटे फटाके फोड़िए, अगर आपके आसपास कोई जानवर है तो आप खास ध्यान रखिए कि उसके आसपास कोई फटाके ना फोड़े, और ऑफकोर्स अपने बच्चों का खास ध्यान रखिएगा कि अगर वो पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसके आसपास रहना ज़रूरी है। थोड़ा फ़ोन रख दीजिएगा साइड में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन हाथ में रहने से कभी कभी ध्यान बटर हो जाता है, और एक ध्यान निकल जाने से कभी कभी भगवान ना करे कोई चूक हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें तो दिवाली आपकी भी अच्छी रहे, और आपके ये स्टेप अगर आप लेते हो तो जानवरों की भी दिवाली अच्छी हो सकती है। जैसे इन्होंने बोल दिया कि दिवाली, अगर आप फटाके जला भी रहे हो तो मेरी तरफ से मैं यही करना चाहती हूँ कि सेफली जलाएं उनको, और हैव अ सेफ दिवाली। आसपास भी जो लोग होंगे उनकी भी सेफ्टी देखो, रॉकेट वॉकेट जलते हैं तो घरों में घुस जाते हैं लोगों के, तो सेफली जलाएं उनको, खुली जगह में जलाएं, और दैट्स इट। हैप्पी दिवाली। हाय, मैं हूँ मृणाल जैन। हाय, मैं हूँ स्वीटी जैन। हमारे सारे व्यूअर्स और फैंस को दिवाली वेरी की हैप्पी दिवाली। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप सबकी ज़िंदगी में बहुत रोशनी रहे इस दिवाली की तरह, और हर दिवाली आपकी ऐसी ही बने, और आप सबके घर में लक्ष्मी जी आए और लक्ष्मी जी हमेशा रहे। थैंक यू।